कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस से प्रभावित लोग सामने आने के बाद अब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। जिला कुरुक्षेत्र में जहां स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक के बाद लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 2 आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ 3 लेयर मास्क मुहैया कराए गए हैं। हालांकि अभी तक कुरुक्षेत्र जिले में कोई भी संदिग्ध केस कोरोना वायरस का सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह तैयारी कस ली है। कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में SMO डॉक्टर AP सिंह ने डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि उन्होंने जिले के निजी अस्पतालों में भी संपर्क रखा हुआ है, जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड नंबर 214 और 215 स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर बिंदु का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। उन्होंने बताया कि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, किसी भी प्रभावित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, भीड़ वाले इलाके में कम से कम जाएं। आइए सुनते हैं कोरोना वायरस को लेकर इन डॉक्टर्स ने क्या कहा। जी, इसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो इसके लिए जरूरी है। कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले हमें हाथों की अपनी सफाई का रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, किसी इन्फेक्टेड चीज के हम लोग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो तुरंत साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि जो इसका वायरस है अगर किसी सरफेस के ऊपर गिर रहा है तो 10-12 घंटे तक जीवित रह सकता है, कपड़ों के ऊपर जीवित रह सकता है। तो अगर हम लोग किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो जैसे अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अगर किसी में ये लक्षण नजर आते हैं तो उसको तुरंत हम लोगों को आइसोलेट करना है, मतलब उसको अलग रखना है। फिर भी ऐसा कुछ है तो मास्क, ट्रिपल एयर मास्क हम लोग लगा सकते हैं। एक दूसरे के संपर्क से बचें, अगर किसी को ऐसे सिम्टम है तो 1.5 हाथ की दूरी बना के रखें, खांसते समय, छींकते समय हैंकी का इस्तेमाल रखें या अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाएं, और तुरंत फिर से साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं। कहीं पे भी भीड़ वाली जगह पे, मार्केट हो गया, मॉल हो गया, कोई ऐसी जगह पे जाने से बचे जहाँ पे भी इन्फेक्टेड पर्सन हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जो इसका वायरस है वो इतना जल्दी किल नहीं होता है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम आते हैं तो अपने जो कपड़े हैं, जो अंडरगारमेंट्स हैं, उसको धूप में अच्छे से हम लोगों को सुखाना चाहिए। और क्योंकि ये सारा इम्यूनिटी के ऊपर बेस है, तो जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी बच्चे हैं वो उसकी जल्दी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा लो होती है। तो खाने पीने का भी अपना विशेष ध्यान रखें, भरपूर मात्रा में पानी, हेल्दी डाइट लें और रेस्ट करें। इससे पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे किसी को अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत हम लोगों को उसकी इत्तला दें, और जो भी उसकी कार्रवाई होगी और तुरंत हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। लिहाजा हमें साफ साफ सफाई और इस तरह के संदिग्ध प्रभावित से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोरोना वायरस का प्रभाव लगे तो तुरंत अस्पताल में दिए गए कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर 0174-4252-85 पर संपर्क करना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, कोरोना वायरस का खतरा और भी कम होता जाएगा। कोरोना वायरस के लिए कल हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरी इनकी तैयारी कर रखी है। हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, लॉजिस्टिक हमारे पास पूरे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके पास वेंटिलेटर हैं उनके साथ हमारा टाई अप है, और जिसमें हमने 5 हॉस्पिटल प्राइवेट कर रखे हैं। अगर कोई केस आते हैं तो वहाँ से कम कर सकते हैं। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात है, वो सारे हमारे पास कम्प्लीट है, मास्क और ये किट वगैरह हमारे पास है, हमारे पास अवेलेबल। तो अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध नहीं, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। जो हमारे पास हेडक्वार्टर से लिस्ट आई थी, जो पब्लिक फॉरन से आई थी, उनको हमने सारों को ट्रेस कर लिया है, जिसमें से 3 हमारे को अनट्रेस रहे, बाकी हमारे ट्रेस सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।